हे नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हिने मैंने उम्मीदवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ में एलोपैथिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक दवाओं को लिया जा सकता है या फिर नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स को कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है कि होम्योपैथिक दवा के साथ साथ मैं अपनी एलोपैथिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन चला सकता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पर हैं जैसे कि बीपी, शुगर, अस्थमा और अन्य भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड और असाध्य रोग हैं जिसमें जो एलोपैथिक दवा जो है बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और पेशेंट की अगर दवा वहाँ पर बंद कर दी तो और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तीनों मेडिसिन सिस्टम का सिद्धांत एकदम अलग अलग है, ये आप समझ लीजिए। तीनों जो मेडिसिन सिस्टम है, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या फिर आयुर्वेदा हो, तीनों के जो सिद्धांत है या फिर जो प्रिंसिपल है वो एकदम अपोजिट है, एकदम अलग अलग सिद्धांतों पर ये पैथी जो है वर्क करती है। तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना कि साथ में इनको मेडिसिन को लिया जा सकता है या फिर नहीं। होम्योपैथी के बारे में जाने तो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेटर, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक। एक समान जो लक्षण वाली जो ड्रग होती है यानी कि मेडिसिन होती है वो एक समान लक्षण वाले बीमारी को हमारे शरीर में ठीक करने की कैपेसिटी रखती है। दूसरे के बारे में बात करें तो एलोपैथिक मेडिसिन जिसका सिद्धांत होता है कॉन्ट्रेरियो कॉन्ट्रेरियो कॉन्ट्रेरिस, यानी कि अपोजिट प्रिंसिपल वाली जो मेडिसिन होती है वो हमारे शरीर को ठीक कर देती है। एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है इमरजेंसी में बहुत ही अच्छा असर करती हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक हम इनको नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर फिर होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा बहुत अच्छे तरीके से असर करती है। अगर जड़ से बीमारी को ठीक करना है तो वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा एक पेशेंट को लेना ही पड़ता है, अगर पेशेंट को बीमारी वहाँ पर जड़ से खत्म करनी है तो। तो एलोपैथिक मेडिसिन में जनरली क्या होता है कि मान लीजिए डायरिया हो रहा है, लूज स्टूल आ रहे हैं, बार बार पॉटी पेशेंट को आ रही है, तो ऐसी मेडिसिन दे दी जाएगी वहाँ पर जो हमारी बाउल की मूवमेंट को यानी कि हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को, जो हमारी आंत है उसकी मूवमेंट को कम कर देती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज भी हो सकता है और स्टूल जो है हमारी पॉटी जो है वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। मान लीजिए कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसके अपोजिट में यानी कि कब्ज हो रहा है, तो ऐसी मेडिसिन दे दी जाएगी जो इसकी बाउल की मूवमेंट को बढ़ा देगी, यानी कि अपोजिट प्रिंसिपल जो है वहाँ पर लागू होते हैं और उसकी वजह से बाउल की मूवमेंट जब बढ़ जाएगी तो और भी ज़्यादा डायरिया यानी कि आसानी से पेशेंट की पॉटी पास हो जाएगी। तो इस तरीके से एलोपैथिक मेडिसिन असर करती है इमरजेंसी में, तो ठीक है। बात करें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम की, तो इंडियन का सबसे पुराना जो एंशियंट मेडिसिन सिस्टम है वो आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम है। लोगों में इसका बहुत ज़्यादा बिलीव है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलता आ रहा है और बहुत ही इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है, और बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, जिसमें हर्बल रेमेडीज होती हैं, हर्बल मेडिसिन होती हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम का ये मानना है कि वात पित्त कफ जो है त्रिदोषा बताए गए हैं, जिनके डिसबैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ होती हैं। वात यानी कि वायु, पित्त यानी कि पित्त बहुत ज़्यादा बनना, और कफ यानी कि बलगम या फिर सांस की बीमारी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं वो कफ वाली प्रकृति में आ जाते हैं। तो इन तीनों के या तो इनमें कमी होगी या इनमें बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे क्या इन मेडिसिन को साथ में लिया जा सकता है या फिर नहीं। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार लिया जा सकता है। मान लीजिए बीपी की बीमारी है या फिर अस्थमा की बीमारी है या फिर डायबिटीज़ की बीमारी है, इनकी दवाएं जो है एकदम से बंद नहीं की जाती हैं, और एकदम से अचानक से बंद करके होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम पर आप स्विच नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार आप अपने धीरे धीरे या तो इनको बंद करें या फिर साथ में भी अगर इसकी मेडिसिन चल रही है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है, मान लीजिए डायबिटीज़ की एक स्टडी थी जिसमें बताया गया था कि डायबिटीज़ की एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम साथ में डाइटरी मैनेजमेंट, एक्सरसाइज वगैरह साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम दिया गया पेशेंट को, तो 97% पेशेंट ज़्यादा ठीक हुए। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम के साथ नहीं लिया जा सकता, ले सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर अप्लाई होती हैं। डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार वहाँ पर लिया जा सकता है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की अगर दवा आपके साथ में चल रही है तो उसको चलाया जा सकता है, और किसी अन्य बीमारी के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप तब ले रहे हैं तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे सप्लीमेंट्स, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी डाइटरी मैनेजमेंट में होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी बताए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार मल्टीविटामिन्स या फिर ये जो सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी मैनेजमेंट है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में बताया जाता है। तो होम्योपैथी और एलोपैथिक मेडिसिन ज़रूरत के अनुसार इनको साथ में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम के साथ आप एलोपैथिक मेडिसिन को नहीं चला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है वो भी साथ में लिया जा सकता है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम की बात करें तो हर्बल रेमेडीज़ होती हैं, इससे प्लांट से जनरली ये मेडिसिन बनाई जाती हैं, और होम्योपैथी में ही प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को पोटेंटाइज कर दिया जाता है, उनकी डायनेमिक एनर्जी
जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक लगभग एक जैसे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो इनको भी साथ में लिया जा सकता है। डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार कौन सी दवा चल रही है इस बात पर भी निर्भर करता है, तो एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो साथ में ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साथ में नहीं लिया जा सकता। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।